हेलो दोस्तों दोस्तों आज मेरे पास एक ब्लूटूथ हेडफोन है और इसका एक जो लीड है वो चल रहा है और एक लीड नहीं चल रहा, तो वो चीज़ को हम आज करेंगे रिपेयर। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इजी तरीके से आप घर पे भी इसको आराम से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है नहीं है। तो पहले मैं आप लोग को चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर लिया फ़ोन से और मैं ये म्यूज़िक चला रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो है चल रहा है और ये देखिए इसको मैंने बंद कर दिया, ये वाला जो है नहीं चल रहा, ठीक है। तो हम इसको करेंगे ठीक। तो इसको ठीक करने के लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिए जो एल बना हुआ है इसको आपको इस तरह से निकालना है किसी चीज़ से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसका पेच होता है, तो मुझे ये देखना है कि कौन सा वाला ख़राब है, ठीक है, कौन सा वाला नहीं चल रहा। सिर्फ उस साइड का ही हम खोलेंगे, ये वाला चल रहा है और ये नहीं चल रहा, ठीक है, ये नहीं चल रहा, तो हम इसी को खोलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेरा डिवाइस ऑन है, ये देखिए ब्लू लाइट जल रहा और ये वायर भी जो है मेरा लगा हुआ है, ठीक है। देखिए वायर जो है मेरा ये इसमें लगा हुआ है। तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे, क्या ख़राब है, ये चीज़ चेक करना है। तो हम यहाँ पे इसको पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं स्विच ऑफ। तो ये बंद हो गया, ठीक है। अब बंद होने के बाद हम मीटर को जो बजे रेंज पे रख के यहाँ पे रीडिंग चेक करेंगे। तो ये है इसका ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड को हम रेड प्रोब पे से रख लेते हैं और यहाँ से हम चेक करेंगे कि यहाँ पे रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस पे रीडिंग आ रहा है, इस पे भी रीडिंग आ रहा है, ठीक है। रीडिंग अगर नहीं आता तो कोई दूसरा बोर्ड से प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब रीडिंग आ रहा है तो मतलब बोर्ड मेरा ओके है। जो भी दिक्कत होगा वायर में दिक्कत होगा, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं साइड में। तो हम इसको चेक करेंगे, तो इसमें बीप का साउंड नहीं आ रहा। अगर बीप का साउंड आता दोस्तों तो समझ लीजिए कि मेरा जो है स्पीकर ओके है, ठीक है। तो ये बीप का साउंड नहीं आ रहा, इसका मतलब हो सकता है ये वायर कटा हुआ होगा। तो हम ये वायर को जो है काट के छील के दोबारा से देखते हैं कि इस पे साउंड आ रहा है कि नहीं बीप का। तो जहाँ से ये ख़राब है वहाँ से हम कट कर देते हैं इसको। तो ये देखिए दोस्तों दो वायर इसका निकला है, इस तरह का दो वायर निकलेगा। और इन दोनों वायरों को हम पेस्ट में डुबा लेते हैं। पेस्ट में डुबा के क्या करना होगा हमको, इसको सोल्ड करना होगा। तो अभी हम फिर से जो इसको अब हम चेक करेंगे।
कि इसमें बीप का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, अभी इसका जो है ये अच्छे से लग नहीं रहा है। ये देखिए बीप का साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसका जो है वायर कटा हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ से भी बीप का साउंड नहीं आता तो आपको क्या करना होगा, ये स्पीकर को खोलना होगा और इसके दोनों पॉइंटों में इसी तरह से चेक करना होगा। अगर बीप का साउंड आ रहा है तब आपका स्पीकर ओके है, और अगर बीप का साउंड नहीं आएगा तो समझ लीजिए आपका स्पीकर ख़राब है, आपको दूसरे फ़ोन का स्पीकर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, और हम अब लगा के देखते हैं कि मेरा जो है ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। खोल के देखा है और रिपेयर करने की कोशिश किया है, तो अभी मैं इसको फिटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये भी लग गया। अभी हम देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा, तो हम इसको पावर ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे आप सुन सकते हैं इसका आवाज़, ये भी बज रहा, ये भी बज रहा, देखिए ये भी बज रहा, इसको बंद कर दिया, ये बज रहा और ये भी बज रहा। ठीक है, दोनों बज रहा। तो इसी तरह का आज से आप भी ठीक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।